अस्सलाम वालेकुम। बर्ड लाइफ व्लॉग में खुश आमदी। देखने वाले जितने भी दोस्त हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं, फटाफट से मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और फॉलो कर दें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बआसानी पहुँच सके। तो आज संडे है, 18वां रमज़ान है। बहुत सारे दोस्तों को रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो अगेन। तो आज फाइनली छत पर आया हूँ, तो दाना पानी तो इनका डेली चेंज होता है, बगल संडे के संडे इनकी सफाई की जाती है। देख सकते हैं मतलब तो काफ़ी ज़्यादा कचरा है। तो फटाफट से साफ़ करते हैं इनको, आप दोस्तों के साथ भी ये शेयर करते हैं कि कैसे सेटअप को साफ़ किया जाता है। फिर इनके ये पानी के बर्तन हैं, इनको भी वॉश करना है आज। तो सेटअप को पहले साफ़ कर लें, फिर मिलते हैं। तो आप दोस्तों तक शेयर करता हूँ कि दाना कैसे साफ़ किया जाता है। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, तो यहाँ से इसका फ़ैन चलने शुरू हो जाता है। इस तरह कुछ शेप है मशीन का। साफ़ दाना जो है वो इधर चला जाता है, और जो मतलब साफ़ इधर आ जाता है और गंदा दाना इधर चला जाता है उड़कर। अब यहाँ से दाना डालेंगे, नीचे से आप देख सकते हैं दाना कैसे गंदा दाना उस साइड जा रहा है और साफ इस साइड आ रहा है। बहुत ही अच्छा तरीका है दाने को साफ करने का। अब दूसरा जो खाली है उसको भी इसी तरह डालेंगे। देख सकते हैं साफ दाना इस साइड आ गया और गंदा दाना इस साइड। इसको सारा इधर फेंक देंगे दोबारा, और ये साफ दोबारा। चल ठीक। फाइनली बर्ड्स के जितने भी बर्तन हैं इनको वॉश करने लगे हैं। हल्का हल्का इनको सर्फ लगाएंगे, और साथ ये ब्रश है मेरे पास। इसी तरह सारे बर्तन थोड़े थोड़े जितने भी हैं। ये करना बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनसे बर्ड्स बीमार नहीं होते। एक तो चीज़ सॉफ्ट मिलती है उनको, बंद कर दे। ओके, तो फाइनली माशाल्लाह सबके दाना पानी चेंज हो गया। माशाल्लाह इनका एक चिक्स भी बाहर आ गया, एक चिक एक्सपायर हो गया गर्मी की वजह से, थोड़ा मौसम चेंज हुआ है ना, उसके बीमार था। तो माशाल्लाह इनका भी दाना पानी ट्रे सब कुछ साफ हो गया। माशाल्लाह इन्होंने आज एक बहुत ही प्यारा सा एक बच्चा भी निकाला है। अभी 3 अंडे बाकी हैं मज़ीद। माशाल्लाह माती बहुत प्यारी माती है। इसके अलावा माशाल्लाह रूटीनो एक अंदर गया हुआ है, ये यहाँ पे वो दोनों अंदर चले गए। ये फिशर के दोनों बच्चे माशाल्लाह, ये फिशर का मेल और मादी इसकी बॉक्स के अंदर है माशाल्लाह। यहाँ पे देखें एग्जीबिशन के छोटे मतलब यंग बच्चे तैयार हो रहे हैं इनके माशाल्लाह, पांचों के पांच माशाल्लाह। ये है मेरा कॉकटेल, और ये माशाल्लाह सीटियाँ मारता है, बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी। आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊँगा किस दिन जब बोलेगा। माशाल्लाह एग्जीबिशन है, ये भी अपने बॉक्स के अंदर की हुई है, अभी तक देखा नहीं है मैंने कितने दिन से इसको खोल के। माशाल्लाह इसने भी 2 अंडे उतारे हुए हैं, तभी ये अंदर बैठी हुई है। और ये इसका नर बाहर आ गया मेल माशाल्लाह, इधर ये रहा और बॉक्स के अंदर है रॉकी फीमेल।
ये अंडों पे बैठी हुई है माशाल्लाह। और ये रहा के छोटे बच्चे माशाल्लाह। अभी सारी सफाई हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। वीक में एक दफ़ा सबकी सफाई करता हूँ, बाकी नॉर्मल डेज में दाना पानी इनका चेंज होता रहता है। और यहाँ पे हमारी फिंचेस, फिंचेस को ज़रा गेट के सामने रखा हुआ, जब भी गेट खोलो ना तो यहाँ पर इनको हवा वगैरह मिलती रहती है। थोड़ी गर्मी हो रही थी, मैंने कहा ये सामने रहेंगी तो हवा भी लगती रहेगी इनको। माशाल्लाह जब से लाई है माशाल्लाह चारों एक्टिव है। कल इनको एक का शेल डाला था क्योंकि इनकी कैल्शियम इन्हीं से पूरी होती है माशाल्लाह। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।